तो अब देखते हैं हम लोग पेनक्रियाज के बारे में, आज पढ़ते हैं पेनक्रियाज के बारे में, ठीक है। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज तो आप जब पढ़े थे डाइजेस्टिव सिस्टम, वहाँ पे भी आप लोगों ने देखा होगा पेनक्रियाज के बारे में, ठीक है। पेनक्रियाज के बारे में चलिए पढ़ते हैं। पहला लाइन यहाँ पे लिखा गया है कि पेनक्रियाज इज द कंपोजिट ग्लैंड। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं, कंपोजिट ग्लैंड किसे बोलते हैं। तो देखिए, जो हमारी ग्लैंड होती है ना, दो टाइप की होती हैं। कौन कौन होती हैं? एक होती है अपनी एग्जोक्राइन और दूसरी होती है कौन, इंडोक्राइन ग्लैंड। एक सेकेंड, हम लिखने के लिए अपना साइड कर लेते हैं। हाँ देखिए, ग्लैंड हमारी हो गई ना, एक सेकेंड, ए हाँ ग्लैंड, ग्लैंड्स अपनी कितनी टाइप की होती हैं? दो, एक एग्जोक्राइन ग्लैंड होती है और एक इंडोक्राइन ग्लैंड होती है। देखिए, ग्लैंड्स एक हो जाती है अपनी इग्जो इग्जोक्राइन और दूसरा हो जाएगी इंडोक्राइन, इंडोक्राइन, ठीक है। अब देखिए इनमें अंतर क्या होता है। इग्जोक्राइन मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें डक्ट हो, डक्ट विथ डक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, डक्ट के साथ, ठीक है। और यहाँ पे डक्टलेस, तो जो डक्टलेस होगी वो क्या होगी, एक सेकेंड, डक्ट ले, अरे यार ये क्या हो रहा है, हाँ एक सेकेंड, देखिए जो डक्टलेस होती है, डक्टलेस, जो डक्टलेस होती है, ठीक है, उसको इंडोक्राइन बोल देते हैं। और क्या चीज़ होता है जो कि क्या करे, केवल हार्मोन का सेक्रीशन कराए, क्या हार्मोन, हार्मोन्स, ठीक है। जो डक्टलेस होगी और हार्मोन का क्या करे, सेक्रीशन करा, उसे इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। और इजोक्राइन मतलब हार्मोन ना, हार्मोन नहीं होगा अपना, मिल्क हो गया, वैक्स हो गया, वैक्स हो गया अपना, ठीक है, मिल्क, वैक्स, और हमारे क्या हो जाते हैं, जूसेस हो जाती हैं, जूसेस हो गए, स्वीट हो गया, ठीक है ना, जो पसीना अपना, सीबम हो गया, ये सारी चीज़ें को क्या करे, रिलीज करा, उसको इग्जोक्राइन बोल देते हैं। और जो अपना हार्मोन्स को रिलीज करा, उसे इंडो बोल देते हैं। और ये दोनों काम जो करे, जो दोनों काम करे, उसको क्या बोल देते हैं, मिग्जोक्राइन या कंपोजिट ग्लैंड, मिग्जोक्राइन, मिग्जोक्राइन या कंपोजिट, कंपोजिट ग्लैंड बोलते हैं। तो अपना जो पेनक्रियाज है वो दोनों काम करता है, दोनों काम करता है, मतलब हार्मोन्स भी रिलीज कराएगा, मतलब इंडोक्राइन के जैसा भी बिहेव करता है, इग्जोक्राइन के जैसा भी बिहेव करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मिग्जोक्राइन या कंपोजिट ग्लैंड बोलते हैं। अब देखिए, विच एक्ट एज बोथ इग्जो इन इंडोक्राइन, द इंडोक्राइन पेनक्रियाज कंसिस्ट ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहंस। जो अपना इंडोक्राइन पेनक्रियाज है ना, उसके पास क्या होती है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहंस, यानी लैंगरहंस की दीपिकाएं होती हैं, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहंस। जो हमारा पेनक्रियाज है ना, देखिए उसमें 1 से 2 मिलियन आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहंस होती हैं। जो पेनक्रियाज है उसमें 1 से 2 मिलियन यानी 10 से 20 लाख, 1 to 2 मिलियन यानी 10 to 20 लाख अपने क्या हो जाएंगे, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहंस, लैंगरहंस होते हैं, ठीक है, जो कि क्या बनाते हैं, 1 to 2% ऑफ द पेनक्रियाटिक टिश्यू, 1 से 2% अपने पेनक्रियाटिक टिश्यू को बनाते हैं। ये जो मेन टाइप ऑफ सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहंस, उसे हम अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स, यानी दो तरह की इनमें सेल्स पाई जाती हैं, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहंस में दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं, कौन, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स, दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं। अब इनका काम देख लेते हैं। अल्फा सेल्स हार्मोन का रिलीज करती है ग्लूकेगन, और बीटा सेल इंसुलिन। अल्फा सेल्स क्या करती है, हार्मोन ग्लूकेगन को रिलीज कराएगी और बीटा सेल अपने इंसुलिन को रिलीज कराएगा, इंसुलिन एक दूसरा हो गया अपना ग्लूकेगन। अब तक देखते हैं ग्लूकेगन का काम, ग्लूकेगन इज अ पेप्टाइड हार्मोन। ग्लूकेगन क्या है, एक प्रोटीन हार्मोन होता है और प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। यह क्या करता है, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है ना, उसको मेंटेन करने का काम करता है, कौन, ग्लूकेगन, और एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। ग्लूकेगन एक्ट्स मेनली ऑन द लीवर, जो हिपेटोसाइट, हिपेटोसाइट सेल्स है ना, मतलब लीवर के सेल्स हैं, हिपेटोसाइट्स, उन पर काम करता है और स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियो ग्लूकोजिनोलाइसिस, रिजल्ट्स इन द इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल, यानी जो अपना ग्लाइकोजन होता है उसको तोड़ने का काम करता है। देखिए, जो अपना ग्लाइकोजन है वो काम करेगा लीवर सेल्स पे, हिपेटोसाइट्स पे, जो अपना ग्लाइकोजन है वो लीवर सेल्स पे काम करता है, हिपेटोसाइट्स पे, और जो वहाँ पे ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर था, जो अपना ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर था अपना हिपेटोसाइट सेल्स के पास, उस ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाने का काम करता है, यानी ग्लूकोनियोलाइसिस कराता है, ठीक है, ग्लाइकोनियोलाइसिस कराता है, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है ग्लाइकोनियोलाइसिस कराने का काम करता है। अब जब ग्लाइकोजन टूटता है ग्लूकोज में, जिसकी वजह से वो ग्लूकोज किस में आता है, अपने ब्लड में आएगा, और जब वह ग्लूकोज ब्लड में आता है तो क्या होता है, जब वह ग्लूकोज ब्लड में आता है तो ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपर ग्लाइसीमिया,
क्या बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। और यही हाइपरग्लाइसीमिया यदि बहुत ज़्यादा समय तक रह जा रहा है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना ऐसे करके, तो वो बॉडी पे क्या करेगा, अलग अलग इफेक्ट डालेगा, और उस चीज़ को हम बोल देते हैं क्या, डायबिटीज मेलिटस। क्या, डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, अब देखिए इंक्रीज हाइपरग्लाइसीमिया, इन एडिशन दिस हार्मोन्स स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस विच कंट्रीब्यूट टू द हाइपरग्लाइसीमिया। या ग्लूकोनियोजेनेसिस या ग्लाइकोजिनोलाइसिस, सेम समझिए, एक तरह से ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्जन, ये भी क्या करता है कि हाइपरग्लाइसीमिया कराता है, यानी ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है अपने ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में। ग्लाइकोजन रिड्यूस द सेलुलर अपटेक न्यूट्रलाइजेशन। अब देखिए जो हमारा ग्लूकोगन है, अरे यार सॉरी, ग्लूकेगन, ग्लाइकोजन ग्लाइको, हाँ ग्लूकेगॉन, जो ग्लूकेगॉन है ना वो रिड्यूस करता है क्या, सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, यानी जो ग्लूकोज अपना, ग्लूकोज अपना बॉडी के मतलब जो ब्लड में ग्लूकोज है उसका क्या करना है, यूटिलाइज करेगी अपनी बॉडी, तभी तो उस ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में कम होगा, उस ग्लूकोज को क्या करती है अपनी बॉडी, यूटिलाइज करती है, तो उसी चीज़ को क्या करता है ये ग्लूकेगॉन कम कर देता है। जब अपना अल्फा सेल से अपना क्या रिलीज हो रहा था, ग्लूकेगॉन, बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज हो रहा था, तो ग्लूकेगॉन पेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसमें, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में, और ग्लूकोनियो ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, इसको हम क्या बोल देते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया बोल देते हैं। ग्लूकेगॉन इज हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन। ठीक है, अब ग्लूकेगॉन क्या होता है, एक तरह से हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन, जैसे हम लोग आपने एक चीज़ और पढ़ा था पीछे, हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन, आप कमेंट में बताइएगा कि हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन कौन होता है, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कौन बढ़ाता है। इंसुलिन अब देखते हैं, ग्लूकेगॉन देख लिया, अब इंसुलिन के बारे में देखते हैं। इंसुलिन इज पेप्टाइड हार्मोन विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज हार्मोन। देखिए इसका सिंपल एंटागोनिस्टिक काम होता है, जो ग्लाइकोजन है ना, जो ग्लूकेगॉन है ना, जो ग्लूकेगॉन है उसका एंटागोनिस्ट होता है अपना इंसुलिन। यानी यदि अपना ग्लूकेगॉन शुगर लेवल को, यानी ग्लूकोज लेवल को अपने ब्लड में बढ़ा रहा है, तो उसको कम करने का काम करेगा इंसुलिन। सिंपल, उसका सारा काम उल्टा होता है इसका, उसके इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन विच प्ले मेजर रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज हार्मोन होमियोस्टेसिस। इंसुलिन एक्ट्स मेनली ऑन हिपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स। वो किस पे काम कर रहा था, हिपेटोसाइट सेल्स पे काम कर रहा था, ये एडिपोसाइट सेल्स और अपने हिपेटोसाइट सेल दोनों पे काम करता है। और हिपेटोसाइट्स मतलब सेल्स ऑफ द, हिपेटोसाइट्स मतलब क्या हो गया, सेल्स ऑफ द लीवर, और एडिपोसाइट्स मतलब सेल्स ऑफ द एडिपोज टिश्यू, सेल्स ऑफ द एडिपोज टिश्यू, एंड इनहेंस द सेलुलर अपटेक इन यूटिलाइजेशन। यहाँ पे क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था सेलुलर अपटेक यूटिलाइजेशन, यहाँ पे इंक्रीज करने का काम कर रहा है। ठीक है, एज ए रिजल्ट देयर इज अ रैपिड मूवमेंट्स ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू द हिपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स। अब देखिए वहाँ पे क्या हो रहा था कि जो रैपिड मूवमेंट होता है ग्लूकोज का अपने ब्लड से हिपेटोसाइट सेल्स में, एडिपोसाइट सेल्स में, उसको ग्लूकेगॉन कम करने का काम करता है, और इसी चीज़ को ये बढ़ाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज अपने ब्लड से कहाँ चला जाए, अपने हिपेटोसाइट सेल्स में, एडिपोसाइट सेल्स में चला जाए, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज का लेवल है ना अपने ब्लड में क्या हो जाए, कम हो जाए, अपने ब्लड में कम हो जाए। ठीक है, अब देखिए एक सेकेंड, हाँ जी, अब देखिए यहाँ पे एडिपोसाइट रिजल्टिंग डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, हाइपोग्लाइसीमिया, वो हाइपरग्लाइसीमिया था, आप हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। इंसुलिन इज आल्सो स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजेनेसिस। वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस करा रहा था, क्या कर रहा था, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करा रहा था, ये ग्लाइकोजेनेसिस कराता है, यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्जन, क्या करते हैं इसको हम, ग्लाइकोजेनेसिस इन द टारगेट सेल्स, टारगेट सेल्स में द, मतलब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराएगा, जिसकी वजह से ग्लूकोज अपने ब्लड में कम हो जाए। हम ये बार बार शब्द क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पूछता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया गया है एक, द ग्लूकोज होम्योस्टेसिस इन ब्लड इज दस मेंटेन्ड जॉइंटली बाई टू इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन के द्वारा क्या किया जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं, अपना ग्लूकोज होम्योस्टेसिस किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, किया जा रहा है। प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया लीड्स टू द कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर डायबिटीज मेलिटस। मैंने बताया ना कि यदि वही अपने जो ग्लूकोज का लेवल है 2 महीने 3 महीने 4 महीने ऐसे अगर अपने बॉडी में क्या हो रहा है, ज़्यादा समय तक रह जा रहा है, ज़्यादा समय तक जो अपना ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ जा रहा है यदि, ठीक है, ज़्यादा समय तक लगातार, जैसे कि मान लीजिए कि ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया,
एक समय तो बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होगा, ठीक है, एनर्जी फील होगा, लेकिन वह अगर ज़्यादा समय तक रहता है, मान ली 2 महीने 3 महीना, तो ये बॉडी को क्या करता है, अफेक्ट होने लगता है, मतलब यूरिन के थ्रू ग्लूकोज बाहर आने लगता है, यूरिन के थ्रू क्या होगा, वो अपना ग्लूकोज बाहर आने लगेगा। तो इस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, हम लोग डायबिटीज मिलिटस कहते हैं, डायबिटीज मिलिटस कहते हैं, डायबिटीज मिलिटस कहते हैं, विच इज एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू द यूरिन। किससे एसोसिएटेड है, लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू द यूरिन एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड नोन एज कीटोन बॉडी। और हार्मफुल कंपाउंड बनेगा अपने उस किस में, हमारे बॉडी में, उसे हम क्या बोल देंगे, कीटोन बॉडी। जैसे कि अगर कीटोन बॉडी बन रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कीटोनूरिया, कीटोनूरिया। जो वही ग्लूकोज बॉडी बन रहा है तो ग्लाइकोनूरिया बोल देते हैं। डायबिटीज पेशेंट्स आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विथ इंसुलिन थेरेपी। डायबिटीज पेशेंट को क्या किया जाता है, इंसुलिन थेरेपी दी जाती है। क्या दी जाती है, इंसुलिन थेरेपी। इंसुलिन के क्या लगाए जाते हैं, इंसुलिन हार्मोन के इंजेक्शंस को लगाए जाते हैं। किसको, इंसुलिन जो हार्मोन है ना, उनके इंजेक्शंस को क्या किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको यहीं पर रहने देते हैं हम लोग पेनक्रियाज को, ठीक है। इतना ही था पेनक्रियाज में, आप एक बार इसको बस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए आप लोग, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। अगले वीडियो में देखते हैं हम लोग टेस्टिस और ओवरी के बारे में।